जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की एक टेस्टी सब्जी काप, जो कि हम तुरई के साथ बना रहे हैं। इसको हम पालक के साथ भी बना सकते हैं और जनरली ये चावल के साथ खाया जाता है। वैसे भी चावल के साथ बहुत कम ऑप्शन होते हैं खाने के, जैसे कि दाल के साथ चावल खाया जाता है या राजमा चावल, छोला चावल, तो चावल के साथ ऑप्शन कम होते हैं। तो ये तुरई की तरी वाली सब्जी बनेगी जो चावल के साथ खाई जाती है और उत्तराखंड की विशेष मशहूर सब्जी है और बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी है। आप भी मेरे साथ चलिए, आपकी सामग्री से मिलवाती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज और दो मीडियम साइज के टमाटर जिनको छोटा छोटा काट लिया है। साथ में ले रहे हैं दो हरी मिर्ची, चार से पांच कली लहसुन की। इसमें है हमारे पास जीरा एक टीस्पून और दो टीस्पून है सूखा धनिया साबुत वाला। साथ में है ये तुरई, ये 200 ग्राम तुरई है जिसको हमने काट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसके अंदर हमने ये टुकड़ा डाला हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये तुरई के पीछे वाला डंडा है, आगे भी एक चोटी की तरह निकल रहा होता है और पीछे का डंडा है। पीछे का डंडा डालने से क्या होता है, कई बार तुरई कड़वी निकलती है तो सब्जी में ये डाल दिया जाए तो सब्जी कड़वी नहीं होती है। तो ये एक टोटका है जो हम जनरली अक्सर तुरई बनाते समय पीछे के डंडे काट कर डाल देते हैं, तुरई को बिना चखे ही सब्जी बना देते हैं। तो और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप भी ट्राई करके जरूर देखें। तो चलिए बनाते हैं एक शानदार मसाला इसके लिए। मसाला बनाने के लिए ये जो हमारे पास हरी मिर्ची है इसको इस तरह से दो तीन टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ये हरी मिर्ची खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ही स्वाद होती है। साथ में ये चार से पांच लहसुन की कलियां हैं, इनको हम डाल देते हैं। ये सूखा धनिया और जीरा, इनको हम दरदरा पीस लेंगे इस तरह से। मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन मिक्सी में वो स्वाद नहीं आएगा क्योंकि वो पेस्ट बन जाएगा। इसमें जो कूट के जब भी कोई मसाला दरीज करके बनाया जाता है तो उसका स्वाद ही बहुत अच्छा और अलग होता है। लीजिए हमारा मसाला बिल्कुल कूट के तैयार हो गया इस तरह से। अभी इसको यही नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर हम और मसाले मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम मिला रहे हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक से डेढ़ टीस्पून लाल मिर्ची, लाल मिर्ची आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, और एक चम्मच धनिया। अभी इसको पूरे अच्छे से मिला लेंगे मसालों को। इसमें पानी मिला देंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी जब भी आप किसी तरह के मसाले बनाते हैं, किसी तरह की ऐसी ग्रेवी बनाते हैं तो हमेशा मसालों को फूलने के लिए समय चाहिए होता है। अगर इस तरह से हम मसालों को पहले से मिक्स करके छोड़ देते हैं तो हमारे मसाले जब हम सब्जी छौंकते हैं तो वो ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो लीजिए ये हमारा तैयार है बिल्कुल मसाला, इसको रख देते एक तरफ और चलिए बनाने जाते। आइए हम बनाना शुरू करते हैं काप। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का। यहाँ पर हम तेल ले रहे हैं दो बड़े चम्मच। इसमें हम तड़का लगा रहे हैं राई का। वैसे तो इसके अंदर तड़का लगाया जाता है जक्की का, ये एक पहाड़ी मसाला होता है, पहाड़ी राई होती है जिसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। वो टेस्ट में बिल्कुल नटी होता है, जब वो दांतों के नीचे आता है तो नटी आता है उसके अंदर टेस्ट, और वैसे उसका अपना एक कोई टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर राई का तड़का लगा रहे हैं। साथ में डाल रहे हैं हाफ टी स्पून जीरा, राई की तरह ये भी तड़कता है। इसमें डाल रहे हैं हम प्याज। ध्यान रखिए प्याज को हमेशा तेज आंच पर ही भुनना चाहिए, उससे क्या होगा आपका प्याज ब्राउन भी होगा और जूसी भी रहेगा। अगर सेम आंच पर प्याज को भुना जाता है तो वो फिर प्याज उबाला होता है, उसको कहते हैं कि प्याज को उबाल दिया है। ये होता है प्याज बिल्कुल नटी रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अभी इसी समय हमने ये जो मसाला है इसको डाल देते हैं और इसको लगातार लगातार भूनते रहेंगे। इसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ कर लेते हैं। इसको करीब 2 मिनट तक भूनते हैं।
अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, हम टमाटर डालेंगे उसके बाद नमक डालेंगे इसमें। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर के साथ मसाला भून लेते हैं हम। को पकने देते हैं करीब 2 मिनट तक। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर भुन गए हैं हमारे अच्छे से। अभी यहां पर डाल देते हैं ये तुरई जो हमने काट रखी है, इसको भी थोड़ा सा मसालों के साथ करीब 1-1.5 मिनट भून लेते हैं। उसके यहाँ पर मिला देते हैं नमक, 2 छोटी चम्मच नमक मिलाया हमने। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। दो मिनट हो गए हैं, अभी हम इसमें मिला रहे हैं पानी ताकि अब हमारी तुरई अच्छी से पक जाए। इसको आमतौर पर चावल के साथ खाया जाता है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही यम्मी लगती है ये। इसको अब उबलने के लिए रखते हैं ताकि हमारी तुरई पक जाए। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो रहे हैं हमारी सब्जी को खोलने में, लगभग हो गई है। यहाँ पर लिया है हमने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा पानी और इसको अच्छे से घोलते हैं, क्योंकि हमें ये सब्जी चावल के साथ खानी होती है तो हल्की सी इसमें गाढ़ापन होगा तो ही ये स्वाद ज़्यादा लगेगी। और इसको अच्छे से घोल देते हैं। चलिए देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारी तुरई अच्छे से पक गई है, ये देखिए। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए हमको, तो यहाँ पे ये हम डाल देते हैं जो हमने चावल का आटा घोल के रखा है। यहाँ पर आप चावल की मांड भी डाल सकते हैं, ट्रेडिशनली चावल की मांड डाली जाती है जिससे हमारी सब्जी अच्छी गाढ़ी हो जाती है, लेकिन हम ये डाल रहे हैं। लेकिन ये उबलते समय इसको हिलाते हुए डालेंगे ताकि ये नीचे जाकर जमे नहीं इस तरह से, और इसको लगातार हिलाते रहेंगे। ताकि चावल का आटा जो हमने डाला है वो भी पक जाए और हमारी सब्जी में एक अच्छा स्वाद आए। देखिए हमारी सब्जी गाढ़ी हो गई है इस तरह से। अब आपको अगर ये थोड़ा और पतला करना है तो आप इसमें गर्म पानी उबाल कर फिर डालें और उसको फिर 2 मिनट तक अच्छे से पका लें। वैसे ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। देखिए अभी इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और चावल के साथ इसको हम सर्व करते हैं। चावल के साथ ये सब्जी बहुत ही यम्मी। आप इस सब्जी को ट्राई करके जरूर देखें, ये नॉर्मल सब्जी की तरह है। जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं अगर वो घर में इसको बना रहे हैं तो वो लहसुन को अवॉइड कर सकते हैं, और प्याज और लहसुन की जगह पर वो अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरक और हरी मिर्च जब थोड़ी सी ज्यादा डाली जाती है तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको बनाकर जरूर देखें, क्योंकि इसकी जो विशेष टेस्ट है वो इसका मसाला है जो हमने कूट के अलग से बनाया है। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिए और मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हमारा खाना जो देसी तरीके से परोसा गया है, क्योंकि ये इस तरह से किनारे वाली थाली में खाया जाता है, बीच में चावल के इसको डाल दिया जाता है और चावल के साथ इसको आप खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है, आप इसको ट्राई जरूर करें और आपको टेस्ट में ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।